आवर टुडेज लेक्चर अबाउट साइक्लोन। ठीक है, साइक्लोन क्या होता है सर? साइक्लोन वर्ड बना किस वजह से? साइकिल का मतलब समझते हो? कहते हैं ना इस चीज की साइकिल आएगी, साइकिल है। साइकिल का मतलब समझते हो क्या होता है? साइकिल का मतलब एनीवन एनीवन साइकिल का मतलब चेन। तो साइकिल में चेन क्यों होती है? हाँ, कंटिन्यूइंग, रेपिटेशन कह सकते हो, रेपिटेशन कह सकते हो, रिपीट हो रही है कोई चीज बार बार। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा यार, अब कैसे आपको समझाऊं, जैसे मेडिसिन होती है उसकी साइकिल होती है कि 3 महीने की साइकिल है या 2 महीने की साइकिल है। जो लोग स्टेरॉइड्स लेते हैं उनकी साइकिल होती है 3 महीने की साइकिल या 2 महीने की साइकिल, कभी सुना होगा आपने। यानी कि रिपीट होती है वो मेडिसिन, रिपीट होगी 3 महीने तक। ठीक है, साइकिल, साइकिल भी क्या होता है? साइकिल में जो चक्का होता है, जो टायर होता है, वो रिपीट होता है, गोल गोल घूमता है। सिमिलरली साइक्लोन में भी क्या घूमेगी बार बार बताओ? वो शक्तिमान देखा होगा बचपन में, विंड शक 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 करके घूमता है ना, है ना? तो साइक्लोन वर्ड वहां से बना, यानी हवा का चक्र, समझे? हवा का चक्र। बच्चों को हंसी आ रही है, बचपन में देखा नहीं शक्तिमान? तो आज हम साइक्लोन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन साइक्लोन समझने से पहले 2-3 टर्म्स हैं, जैसे कि एयर मास क्या होता है, फ्रंट्स क्या होते हैं, ये आपको समझना जरूरी है, शायद पहले भी सुने हो। तो हाँ, तो एयर मास क्या होता है सर? नाम से कुछ क्लियर हो रहा है? एयर मास हवा का कुछ मास है, यानी हवा का एक एक बॉडी है, एक हवा की, यानी हवा है, मतलब हवा का इतना पर्टिकुलर मास है, समझे? एक लेमन टर्म्स में, ठीक है। अभी इसका मतलब समझेंगे, एयर मास का मतलब क्या है? एक्सट्रीमली लार्ज बॉडी ऑफ एयर, एक्सट्रीमली लार्ज बॉडी ऑफ एयर हूज प्रॉपर्टीज ऑफ टेम्परेचर एंड मॉइस्चर कंटेंट, दैट इज ह्यूमिडिटी, एट एनी गिवन एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब समझते हो? हाइट, ओके। एट एनी गिवन एल्टीट्यूड आर फेयरली सिमिलर, यानी सेम हो। दोबारा से समझेंगे, एयर मास क्या होता है? एक्सट्रीमली लार्ज बॉडी ऑफ एयर जिसका टेम्परेचर और मॉइस्चर कंटेंट सेम है, मतलब इतनी सपोज अगर एयर मास है तो उसका टेम्परेचर और मॉइस्चर कंटेंट सेम रहेगा किसी भी एल्टीट्यूड पे, ठीक है, सेम रहेगा, एयर फेयरली सिमिलर, ओके। एंड इट कवर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्क्वेयर माइल्स ऑफ एरिया, ठीक है, जो काफी एरिया ज्यादा कवर करेगी उसको एयर मास बोलेंगे। एयर मास हमेशा लार्ज बॉडी ऑफ एयर को बोलेंगे, याद रखना हमेशा, ओके। एक्सट्रीमली लार्ज, ये नहीं कि आपके घर में फराटा पखा चला रखा है आपने गिल्ली चुनी बांध के तो आप सोच रहे हो यहाँ एयर मास बहुत ज्यादा है, वो वाला नहीं बेटा, एक्सट्रीमली लार्ज बॉडी ऑफ एयर की बात हो रही है, ओके। एक्सट्रीमली लार्ज बॉडी ऑफ एयर हूज प्रॉपर्टीज ऑफ टेम्परेचर एंड मॉइस्चर कंटेंट एट एनी गिवन एल्टीट्यूड, दैट इज एट एनी गिवन हाइट, आर फेयरली सिमिलर। इट कवर्स हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्क्वेयर माइल्स ऑफ इंडिया, जस्ट रिमेम्बर दिस थिंग। इट मे हैव ओनली अ लिटिल हॉरिजॉन्टल वेरिएशन इन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर थ्रू आउट द एयर मास। वो कहते हैं कि हॉरिजॉन्टल वेरिएशन रहेगी, कोई मेरे को बताएगा कि एयर मास की हॉरिजॉन्टल वेरिएशन क्यों रहेगी, यानी उसका टेम्परेचर में थोड़ा सा बहुत चेंज क्यों रहेगा? बताने वाले की फुल इज्जत की जाएगी, कोई बताएगा कि जो एयर मास है वो हॉरिजॉन्टली डिफर क्यों करेगा? एनीवन? समझदार सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। मैं बता चुका हूं ऑलरेडी, पहले वाले लेक्चर्स में बता चुका हूं, यानी ये धरती है, ये धरती है, हाई प्रेशर, नहीं 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 सर, थोड़ा सा आसपास हो, थोड़ा सा क्लियर नहीं बता पा रहे। ये देख लो, यहां मैं पूछ रहा हूं कि हॉरिजॉन्टली एयर मास डिफर क्यों करता है, टेम्परेचर मॉइस्चर डिफर क्यों करेगा? अः
बेल्ट्स में तो सेम ही होता है ना, सपोज करो ये हाई प्रेशर बेल्ट है, ये हाई प्रेशर रहेगी, लो प्रेशर है, लो प्रेशर रहेगी, लेकिन वो कह रहा है कि थोड़ा थोड़ा यहाँ पे, सपोज यहाँ पे अरे नहीं नहीं यार, इतना सिंपल सा आंसर है, तुमने बड़ा कॉम्प्लेक्स बना दिया। जैसे सपोज करो ये बेल्ट है, सपोज करो ये इक्वेटर वाली बेल्ट है, ठीक है, सारी बेल्ट पे टेम्परेचर, याद है मैंने डोल्ड्रम्स के बारे में बताया था कि डोल्ड्रम्स मैक्सिमम कहाँ देखने को मिलेंगे? हाँ, डोल्ड्रम्स कहाँ मैक्सिमम देखने को मिलेंगे, पानी में या लैंड पे? लैंड पे या वाटर में, ओशियन में? कहाँ पे? वाटर में। लैंड पे कम देखने को मिलेंगे यार, है ना, याद है ना? तो मैंने आपसे पूछा कि वेरिएशन क्यों हो रही है, हॉरिजॉन्टल वेरिएशन क्यों रहेगी टेम्परेचर मॉइस्चर की? ड्यू टू डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड ओशन, यानी कि लैंड की हीटिंग कुछ हो रहा है, ओशन की हीटिंग कुछ हो रहा है, समझे मेरी बात? ये क्वेश्चन आया हुआ है, ड्यू टू डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, याद रखना। हॉरिजॉन्टल वेरिएशन इसलिए ना क्योंकि लैंड पे टेम्परेचर अलग रहेगा, पानी में टेम्परेचर अलग रहेगा, ये नहीं कि इक्वेटर की लाइन है तो सारी जगह टेम्परेचर सेम ही रहेगा, मतलब जहां से ये लाइन पास हो रही है थोड़ी बहुत वेरिएशन रहेगी। दैट्स वाई इट इज रिटन दैट इट मे हैव ओनली अ लिटिल हॉरिजॉन्टल वेरिएशन इन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर थ्रू आउट द एयर मास, ब्रैकेट में लिख लो, ड्यू टू डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, ठीक है, ब्रैकेट में लिख सकते हो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, याद रखें। उसके बाद आगे चलते हैं, व्हेन एन एयर मास रिमेन्स ओवर अ होमोजीनियस एरिया, सपोज करो एक हवा का एक मास है, ठीक है, एक होमोजीनियस एरिया पे रहता है, यानी जहाँ का मतलब कि टेम्परेचर वगैरह सेम है, ठीक है, फॉर अ सफिशियंटली लॉन्गर टाइम, और काफी लंबे समय तक अगर रहता है, इट एक्वायर्स द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट एरिया, जाहिर सी बात है उस एरिया के करेक्टरिस्टिक्स उसमें आ जाएंगे, उस एयर मास में आ जाएंगे। द होमोजीनियस रीजन कैन बी वास्ट ओशियन सर्फेस और वास्ट प्लेन, वो जो होमोजीनियस रीजन है यानी वो जो सेम रीजन है वो ओशियन सर्फेस भी हो सकता है और लैंड भी हो सकती है, यानी वास्ट प्लेन्स भी हो सकते हैं, समझे मेरी बात? तो एयर मास दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूँ, एयर मास है क्या, बेसिकली एक्सट्रीमली लार्ज बॉडी ऑफ एयर हुज प्रॉपर्टीज ऑफ टेम्परेचर एंड मॉइस्चर कंटेंट एट एनी गिवन अल्टीट्यूड आर फेयरली सिमिलर, एल्टीट्यूड की बात हो रही है, लैटीट्यूड की नहीं हो रही, याद रखना, एट एनी गिवन अल्टीट्यूड आर फेयरली सिमिलर, इट कवर्स हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्क्वायर माइल्स ऑफ एरिया, इट मे हैव ओनली अ लिटिल हॉरिजॉन्टल, लिटिल हॉरिजॉन्टल वेरिएशन है, ज्यादा नहीं, लिटिल हॉरिजॉन्टल वेरिएशन इन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर थ्रू आउट द एयर मास, व्हेन एन एयर मास रिमेन्स ओवर अ होमोजीनियस एरिया फॉर अ सफिशियंटली लॉन्गर टाइम इट अक्वायर्स द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एरिया, ओके, and the homogeneous regions can be the vast ocean surface or the vast plains, okay, इसमें कोई doubt हो तो आगे चलते हैं, air mass समझ आया तो तभी अब front समझ में आएगा, अभी आपको दिखा देते हैं air mass का diagram भी है अपने पास, कि देखो सर जैसे ये large, extremely large body of air है, ठीक है, ये air mass one है, air mass two है, ठीक है, यानी कि यहाँ का जो लैंड और और कह सकते हो आप ओशियन सरफेस अलग तरह का होगा, तो ये अलग तरीके का एयर मास है, यहाँ पे लैंड और ओशियन का टेम्परेचर अलग होगा तो ये अलग तरह का एयर मास है, यानी ये कोल्ड, जैसे कि पिक्चर में दिखाया हुआ है, ये कोल्ड एयर मास है और ये वार्म एयर मास है, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है फ्रंट के बारे में, यानी कि फ्रंट क्या होता है, आपको इस डायग्राम में ही समझा देता हूँ, फिर उसके बाद डेफिनेशन पढ़ेंगे। फ्रंट क्या होता है सर, जहां पे दो डिफरेंट एयर मास मिलेंगे, यानी सपोज करो ये कोल्ड एयर मास है, ये वार्म एयर मास है, जहां पे ये मिलेंगे, यानी ये जो मीटिंग पॉइंट है, ये जो बाउंड्री लाइन है, ये जो बाउंड्री लाइन है, इसको क्या बोलते हैं हम, फ्रंट बोलते हैं, जहां पे दो हवाएं अलग अलग टेम्परेचर की, ये कोल्ड एयर मास है, ये वार्म एयर मास है, जब ये दोनों मिलेंगे, इनकी जो बीच की बाउंड्री लाइन है उसको क्या बोलेंगे, फ्रंट बोलेंगे। अब इंग्लिश वर्जन करेंगे इसका, फ्रंट क्या होता है, व्हेन टू डिफरेंट एयर मासेस, रिमेंबर दिस थिंग, व्हेन टू डिफरेंट, नॉट सेम, व्हेन टू डिफरेंट एयर मासेस हैविंग डिस्टिंक्टली डिफरेंट प्रॉपर्टीज
मीट देयर बाउंड्री जोन। देखो मैंने यहाँ पे ना स्पेशल हाईलाइट किया हुआ ताकि आप इन वर्ड्स के ऊपर ज्यादा फोकस करें। द बाउंड्री जोन बिटवीन देम इज कॉल्ड फ्रंट। क्लियर है सर? तो चार तरह के फ्रंट होते हैं सर इसमें, ये आपको याद रखना होगा, पेपर में कई बार आया हुआ प्रीलिम्स में आपके। एक होता है स्टेशनरी फ्रंट, दूसरा होता है कोल्ड फ्रंट, तीसरा होता है वार्म फ्रंट और चौथा होता है ऑक्लूडेड फ्रंट। अभी आपको दिखाएंगे। स्टेशनरी फ्रंट किसको बोलते हैं सर? व्हेन द फ्रंट रिमेन्स स्टेशनरी इट इज कॉल्ड स्टेशनरी फ्रंट। फ्रंट क्या है? बाउंड्री जोन, यानी व्हेन द बाउंड्री जोन रिमेन्स स्टेशनरी। जैसे कि आपको डायग्राम में दिखा देते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखो सर, ये वार्म एयर मास है, ये कोल्ड एयर मास है, ये जो बीच का फ्रंट है ये स्टेशनरी है यानी स्टेबल है, तो उसको क्या बोलेंगे? स्टेशनरी फ्रंट। सिंपल सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। दूसरा है कोल्ड फ्रंट, किसको बोलेंगे? व्हेन द कोल्ड एयर मूव टुवर्ड्स द वार्म एयर मास इट्स कॉन्टेक्ट जोन इज कॉल्ड कोल्ड फ्रंट। हेलो, एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम आ रही है? अच्छा अच्छा, बीच में एकदम से हेलो बोला, मुझे लगा शायद मुझे, जैसे वो जगराते वगैरह में बोलते हैं ना, हेलो हेलो माइक टेस्टिंग। अच्छा अच्छा, सॉरी फॉर लेट जॉइन। अरे मुझे नहीं पता चलता कि आप आए हो कब गए हो, मुझे नहीं पता चलता, तो नो नीड टू से सॉरी, मैं कम इन सर, मैं गो टू टॉयलेट, मैं गो टू ड्रिंक वाटर, नहीं पूछने की जरूरत नहीं है। मुझे लगा हेलो पूछता है कि जैसे वो एक टोकते हैं, हेलो बेटा रुको, मुझे वो वाला हेलो लगा। एनीवेज वो डर गई होगी बेचारी की, ये दीपांशु सर को किसी ने मार वार दिया लग रहा है, बेचारी लेट आई है ना, वो डर गई होगी, वो चेक कर रही थी। दीपांशु सर ही है? हाँ दीपांशु ही हूँ मैं, थोड़ा बाल वाल काट दिए। मेरी बीवी ने कहा कि ज्यादा हीरो बन के घूमते हो, ये जुल्फे काटो ठीक है, और एक अच्छे इंसान बनो। तो उसकी नजरों में ये अच्छा इंसान। हाँ उसे पता नहीं चला बेचारी को, वो डर गई, दो चार बार उसने लैपटॉप बंद कर दिया अपना डर के मारे। करिए दीपांशु सर को क्या हो गया? कोरोना ब्रोना तो नहीं हो गया कहीं? बाल वाल कटवा लिए? एनीवेज कई बच्चे शौक हुए होंगे बीच में थोड़ा देख के, कल से मैं कैप लगा के आऊंगा, कोई नहीं आप डरे मत प्लीज, मैं वही हूँ पहले वाला दीपांशु सर। तो कम टू द टॉपिक। अच्छा आप भी होगी थे? नहीं नहीं बेटे डरना नहीं है, बाली तो है, अभी आ जाएंगे दोबारा, ठीक है, एक महीने में दोबारा आ जाएंगे, हम दबा के चंपी करेंगे इनमें, ठीक है। तो कोल्ड फ्रंट के बारे में बात करते हैं। हम लोग ना यूपीएससी की प्रिपरेशन करते थे, तो हमारे 7 जनों का ग्रुप था, सातों के सातों गंजे, और जब थोड़े से बाल आ जाते थे फिर चले जाते थे नाई की दुकान में, फिर गंजे, और बैठते भी हम एक साथ थे, वो टीचर भी बोलने लगे ये गंजों की टीम आ गई है। वो छुट्टी मारते थे, इकट्ठे मारते थे। चलो एनीवेज कम टू द टॉपिक। तो स्टेशनरी फ्रंट के बारे में मैंने आपको बताया कि व्हेन द फ्रंट रिमेन्स स्टेशनरी इट इज कॉल्ड अ स्टेशनरी फ्रंट। कोल्ड फ्रंट क्या होता है? जब कोल्ड एयर मूव करती है सर वार्म एयर की तरफ। डायग्राम में दिखाते हैं, कोल्ड फ्रंट की बात हो गया, जैसे कि ये कोल्ड एयर है मूव कर रही है वार्म एयर की तरफ, तो ये जो कॉन्टेक्ट जोन है इसको क्या बोलेंगे? कोल्ड फ्रंट। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रंट, ठीक है। सिमिलरली वार्म फ्रंट भी यही है। वार्म फ्रंट क्या? इफ द वार्म एयर मास मूव टुवर्ड्स द कोल्ड एयर द कॉन्टेक्ट जोन इज कॉल्ड वार्म फ्रंट। दिखा देते हैं आपको, ये देख लो सर, वार्म एयर मास, कोल्ड एयर मास हमेशा दोनों पिक्चर में देख सकते हो आप, स्टेबल इसलिए दिखाया। वर्चुअली कोल्ड एयर मास क्या होता है? हमेशा सिंकिंग होता है, याद है ना, और वार्म एयर मास क्या होता है? हमेशा राइज होता है, राइज, वार्म एयर ऑलवेज राइज, लो प्रेशर एयर, याद है ना, है ना।
तो याद रखेंगे, जब कोल्ड वाला वार्म के पास जाएगा तो कोल्ड फ्रंट हो गया, वार्म वाला कोल्ड के पास जाएगा तो वार्म फ्रंट हो गया। जब दोनों किसी के पास जाएंगे लेकिन आगे नहीं निकलेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, स्टेशनरी फ्रंट। ठीक है, और आखिरी हमारा रह गया अक्लूडेड फ्रंट। अक्लूडेड फ्रंट किसको बोलते हैं सर, व्हेन एन इफ एन एयर मास इज फुली लिफ्टेड अबव द लैंड सरफेस इट इज कॉल्ड द अक्लूडेड फ्रंट। ठीक है, ये देखो सर आप, अक्लूडेड फ्रंट किसको बोलते हैं, ये कोल्ड एयर मास आगे की तरफ और चला गया और वार्म एयर मास इधर की तरफ चला गया, तो इसको बोलेंगे अक्लूडेड फ्रंट। मतलब कि जब मास किसी को ओवरकम करके, जब एक एयर मास सपोज करो इसमें दिखाया हुआ कोल्ड एयर मास दूसरे को ओवरकम करके, मतलब इसको पीछे छोड़ के ऊपर हो गया, राइज अप हो गया, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, ऑक्लूडेड फ्रंट। दोबारा से डायग्राम पढ़ेंगे, डेफिनेशन पढ़ेंगे। इफ एन एयर मास इज फुली लिफ्टेड अबव द लैंड सरफेस, यानी वो कोल्ड एयर का जो चल रही थी वो काफी आगे तक चली गई है, ठीक है, और वार्म एयर इधर ही रह गई है। व्हेन एन इफ एन एयर मास इज फुली लिफ्टेड अबव द लैंड सरफेस, यानी कि नीचे कोल्ड एयर मास ही है और ऊपर जो वार्म एयर मास है, ठीक है, और ये इसके ऊपर चली गई है, इसको क्या बोलेंगे, अक्लूडेड फ्रंट। ठीक है, फ्रंट्स के बारे में एक चीज ध्यान रखनी है, दैट फ्रंट्स अकर इन द मिडल लैटिट्यूड, ये चीज याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिडल लैटिट्यूड याद है सभी को, कितने डिग्री से कितने डिग्री के बीच में होता है, एनीवन 30 से 60, बहुत ही जबरदस्त, 30 से 60, ठीक है, मिड लैटिट्यूड यानी इसके बीच में ही होते हैं फ्रंट्स, याद रखने। एंड आर कैरेक्टराइज्ड बाय स्टीप ग्रेडियंट इन टेम्परेचर एंड प्रेशर, ग्रेडियंट माने चेंज, ओके, एकदम से चेंज होता है टेम्परेचर और प्रेशर में। दे ब्रिंग एब्रप्ट चेंजेस इन टेम्परेचर एंड कॉज द एयर टू राइज, जब एयर राइज अप होगी टू फॉर्म क्लाउड्स, और जब बादल बनेंगे तो उसके बाद क्या होगी, प्रेसिपिटेशन यानी बारिश होगी। वैसे प्रेसिपिटेशन वर्ड का मतलब सिर्फ रेनफॉल नहीं होता, याद रखना, सिर्फ रेनफॉल नहीं होता, प्रेसिपिटेशन एक अम्ब्रेला टर्म है, इसके अंदर आपकी स्नोफॉल भी आती है और आपकी रेन भी आती है, आपके वो भी आते हैं, क्या कहेंगे उसको, ओले, ओले को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हे स्टॉर्म्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओले पड़ते हैं ना बारिश के, क्या बोलते हैं यार, माइंड से स्किप कर रहा हूँ, तो प्रेसिपिटेशन में वो सब आते हैं। तो समझ आ गई, द फ्रंट सक्कर इन द मिडल लेटीट्यूड एंड आर कैरेक्टराइज्ड बाय द स्टीप ग्रेडियंट इन टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड दे ब्रिंग अब्रप्ट चेंजेस इन टेम्परेचर एंड कोज द एयर टू राइज टू फॉर्म क्लाउड्स एंड कोज प्रेसिपिटेशन। ठीक है, दोबारा से देख लेते हैं, आज अभी हमने क्या किया है, एयर मास के बारे में पढ़ा, एक्सट्रीमली लार्ज बॉडी है जिसकी टेम्परेचर और प्रेशर एट एनी गिवन लैटिट्यूड अल्टीट्यूड आर फेयरली सिमिलर एंड इट कवर्स हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्क्वायर माइल्स ऑफ एन एरिया, इट मे हैव लिटिल हॉरिजॉन्टल वेरिएशन। रीजन मैंने आपको क्या बताया इसका, हॉरिजॉन्टल वेरिएशन का, अब तो बता दो यार, अभी बताया मैंने 2 मिनट पहले, रीजन क्या बताया मैंने आपको, हॉरिजॉन्टल वेरिएशन का, टेम्परेचर और मॉइस्चर में, एयर मास में वेरिएशन का रीजन क्या है, ड्यू टू डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, वेरी गुड। ठीक है, और व्हेन एन एयर मास रिमेन्स ओवर अ होमोजीनियस एरिया फॉर सफिशियंटली लॉन्गर टाइम इट एक्वायर्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एरिया, द होमोजीनियस रीजन कैन बी वास्ट ओशियन सरफेस और वास्ट प्लेन्स। ओके, ये देख सकते हो सर आप, एयर मास वन एयर मास टू। उसके बाद बारी आती है फ्रंट्स की, फ्रंट्स क्या होते हैं, व्हेन टू डिफरेंट एयर मासेस जिसकी डिस्टिंक्ट डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं जब मिलते हैं, जो बाउंड्री जोन है उसको क्या बोलते हैं, फ्रंट। चार तरह के फ्रंट होते हैं, स्टेशनरी फ्रंट, व्हेन द फ्रंट रिमेन स्टेशनरी इट इज कॉल्ड स्टेशनरी फ्रंट,
यानी जो बाउंड्री जो है ना वो स्टेशनरी रहता है, यानी एक जगह रहता है, उसको स्टेशनरी फ्रंट, कूल्ड फ्रंट किसको बोलेंगे, जब कूल एयर मूव करेगी, यानी ये वार्म एयर मास है, ये कूल एयर मास है, ठीक है, जब कूल एयर मूव करेगी वार्म एयर की तरफ, ठीक है, तो उसको कॉन्टेक्ट जोन जो रहेगा वो कोल्ड फ्रंट रहेगा, और जब वार्म एयर कोल्ड, ये कोल्ड फ्रंट, ये कोल्ड है और ये वार्म है, और जब वार्म एयर इसके ऊपर से राइज करेगी तो उसको क्या बोलेंगे, वार्म फ्रंट, सिंपल सी बात है। इफ द वार्म एयर मास मूव टुवर्ड्स द कोल्ड एयर मास द कॉन्टेक्ट जोन इज नोन एज वार्म फ्रंट। ऑक्लूडेड फ्रंट कैसे बोलते हैं, जब दोनों मिलते हैं और दोनों ही इकट्ठे राइज अप होने लग जाते हैं, ठीक है। इफ एन एयर मास इज फुली लिफ्टेड अबव द लैंड सरफेस इट इज कॉल्ड ऑक्लूडेड फ्रंट, ठीक है। द फ्रंट अकर इन द मिडल लैटिट्यूड दैट इज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ एंड आर कैरेक्टराइज्ड बाय स्टीप ग्रेडियंट इन टेम्परेचर एंड प्रेशर। दे ब्रिंग अब्रप्ट चेंजेस इन टेम्परेचर एंड कोर्स द एयर टू फॉर्म क्लाउड्स एंड कोर्स प्रेसिपिटेशन। यानी कि टेम्परेचर और प्रेशर में जब चेंज आता है तो इसकी वजह से क्लाउड्स बनते हैं, ठीक है, जब एयर मास दो मिलते हैं तो क्लाउड्स बनते हैं और प्रेसिपिटेशन भी होती है इसकी वजह से, याद रखना। डायग्राम आपको दिखा दिए थे मैंने, आगे चलते हैं। अब बारी आती है सर हमारे आज के मेन टॉपिक की, साइक्लोन। साइक्लोन मैंने आपको बताया था हाई प्रेशर होता है लो प्रेशर होता है, लास्ट क्लास में समझाया था आपको मैंने, याद करो कितने बार समझाया था, लो प्रेशर होता है, ठीक है, ये एक्चुअली होता है ऐसे है, इस तरह से लो प्रेशर एयर होती है बीच में और हाई प्रेशर होती है साइडों में, ठीक है। आपको थोड़ा सा समझा देते हैं डायग्राम, फिर उसके बाद आपको विस्तार पूर्वक कराएंगे। इधर ये नीचे हाई प्रेशर, ये नीचे हाई प्रेशर, ये जो साइड वाला है ना हाई प्रेशर वाला, ये जो नीचे एयर डिसेंड कर रही है देख रहे हो, ये वाला, ये तो है हाई प्रेशर, ये वाली साइड भी क्या है हाई प्रेशर, जो बीच वाली साइड है वो क्या है लो प्रेशर, ठीक है, एच एल एच, ठीक है, जो बीच वाली साइड है, जो लो प्रेशर वाली साइड है, इसको क्या बोलते हैं साइक्लोन की आई, यानी ये आंख है, ठीक है, आंख हमेशा काम रहती है, यानी वहां सही रहता है, वहां मतलब इतना कुछ नहीं होता, जो मेन नुकसान पहुंचाती है ये हाई प्रेशर वाली, ये कॉमन सेंस है ना, हाई प्रेशर वाली एयर ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी। अगर सपोज करो आपके रूम में एसी चल रहा है, एसी कभी आपकी, आपने सपोज करो पेजेस इकट्ठे किए हुए हैं, सपोज करो आपके पास A4 साइज की शीट्स हैं, आपने, आप रूम में पेजेस फैला के बैठे हुए हो, सपोज आपने एसी चलाया, ठीक है, और उस टाइम पेज ज्यादा उड़ेंगे या एसी बंद करके सपोज फराटा पखा चला दिया आपने, उसमें आपके पेजेस उड़ेंगे, किसमें पेजेस उड़ेंगे, एसी में उड़ेंगे या उसमें उड़ेंगे फराटे पखे में, जाहिर सी बात है ना, फराटा पखा में उड़ेंगे, पता है ना आपको, वो फैन आता है फराटा पखा बोलते हैं, शादियों में भी लगा होता है, गिल्ली चुनिया बांधते हैं ताकि ठंडी हवा आए उसके ऊपर, है ना, तो कॉमन सेंस है। तो हाई प्रेशर वाला ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा, तो आई हमेशा काम रहती है याद रखना, हाई प्रेशर वाला ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा, यानी स्टॉर्म्स वगैरह आएंगे, ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया लेमन टर्म्स में। अब आपको कराते हैं डेफिनेशन इसकी। साइक्लोन क्या होता है सर, एक विंड सिस्टम होता है, एक हवा का एक सिस्टम होता है विद अ लो प्रेशर एट द सेंटर, ये चीज आपने याद रखनी है सर, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, लो प्रेशर एट द सेंटर, ठीक है, यानी और इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या है, रैपिड इनवर्ड एयर सर्कुलेशन अराउंड अ लो प्रेशर एरिया, ये लो प्रेशर एरिया है बीच में ये राइज अप हो रही है जैसे मैंने बताया, और रैपिड इनवर्ड एयर सर्कुलेशन, ये सर्कुलेशन हो रही है हाई प्रेशर की, किसके अराउंड, लो प्रेशर एरिया के अराउंड, देखो लिखा हुआ है ना रैपिड इनवर्ड एयर सर्कुलेशन अराउंड अ लो प्रेशर एरिया, ये छोटे छोटे डायग्राम बीच में जो मैं बनाता हूँ ना ये बना लिया करो, इससे याद रहेगा कि लो प्रेशर वाला कौन सा हाई प्रेशर वाला, नहीं तो दिमाग में प्रेशर आ जाएगा और भूल जाओगे, सर ने तो पता नहीं कुछ प्रेशर प्रेशर सा बोल रहे थे, पता नहीं हाई कहाँ था लो कहाँ था, एक सेकेंड यार,
ठीक है, ये समझ आया, विंड सिस्टम विद अ लो प्रेशर एट द सेंटर, और यू कैन से रैपिड इनवर्ड एयर सर्कुलेशन अराउंड अ लो प्रेशर एयर एरिया. इनवर्ड एयर सर्कुलेशन है ना, अंदर की तरफ आ रही है, रैपिड इनवर्ड एयर सर्कुलेशन अराउंड अ लो प्रेशर एरिया, बीच वाला क्या है, लो प्रेशर एरिया. ओके, द एयर सर्कुलेट्स इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर साउदर्न हेमिस्फीयर तो पता है ना, भूल तो नहीं गए, ये ऊपर वाले को नॉर्दर्न, ये इक्वेटर से ऊपर वाले को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे इक्वेटर से नीचे वाले को साउदर्न हेमिस्फीयर. इंडिया किसमें आता है, नॉर्दर्न में या साउदर्न में? नॉर्दर्न में आता है. चलो शुक्र है अल्लाह का, पता है, मुझे लगा शायद पता ही ना हो, नॉर्दर्न में. ठीक है, इट इज अकम्पेन्ड बाय वायलेंट स्टॉर्म्स. वो कह रहे हैं साइक्लोन से होता क्या है, बेसिकली वायलेंट स्टॉर्म्स आते हैं, अभी आपको पता है रिसेंटली आया, वायलेंट स्टॉर्म्स आते हैं और बैड वेदर आता है, मतलब मौसम खराब हो जाता है. ठीक है, एक टर्म होती है साइक्लोजेनेसिस. साइक्लोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, साइक्लोजेनेसिस मीन्स प्रोसेस ऑफ साइक्लोन फॉर्मेशन एंड इंटेंसिफिकेशन, यानी साइक्लोन के फॉर्मेशन के प्रोसेस को और उसकी इंटेंसिफिकेशन यानी उसकी तीव्रता के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, साइक्लोजेनेसिस बोलते हैं. ठीक है सर, इसमें कोई डाउट हो तो फिर आगे चलते हैं, अभी हम समझेंगे कि साइक्लोन बनता कैसे है, इसके नुकसान, दुष्प्रभाव, इसका नाम, इसकी क्लासिफिकेशन. ओके, इतना समझ में आया सभी को, बच्चा लोग, तो आगे चलें. आगे चलते हैं, इसके बाद बारी आती है इसकी नोमेनक्लेचर यानी इसके नामकरण की. भैया इसका नामकरण करता कौन है, ये साइक्लोन के नाम होते हैं कैटरीना, टुकैते, और भी बड़े अजीबोगरीब से नाम होते हैं, इसके नाम कौन रखता है, मतलब कौन कर रहा है, कौन रख रहा है, आखिर कहां से आते हैं ये लोग, कहना अरशद वारसी का. तो इसका नामकरण कौन करता है, द लिस्ट एंड नेम ऑफ साइक्लोन्स आर मेंटेन्ड एंड अपडेटेड बाय एन इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द WMO, दैट इज वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. याद रखना WMO रखती है इसके नाम नो, जो शुरुआत में पहले जब साइक्लोन आने शुरू हुए थे तो ओरिजिनल जो लिस्ट थी उसमें सिर्फ औरतों के नाम थे, द ओरिजिनल लिस्ट हैड ओनली नेम्स ऑफ वुमेन. रीजन आपको पता ही है, मैं बता नहीं सकता औरतों के नाम ही क्यों थे साइक्लोन के नाम में, ये फेमिनिस्ट नाम थे, यानी क्यों थे आपको पता ही है, क्योंकि औरतें काफी शांत स्वभाव की होती हैं, इसलिए इनका नाम साइक्लोन से कंपेयर किया गया. लेकिन कुछ समय बाद फिर औरतों ने कहा कि भैया ये तो हमारी बेइज्जती हो रही है, ऐसा नहीं है कि मर्द भी, मर्द शांत ही रहते हैं, मर्दों में भी अग्रेसिव पन है, तो इसलिए 1979 में आदमियों बेचारों का भी नाम इंक्लूड किया गया. तो याद रखें ओरिजिनल लिस्ट में सिर्फ औरतों के नाम थे, लेकिन 1989 में 1979 में मर्दों के नाम भी इंक्लूड करे गए, नेम्स ऑफ मेन. तो फिर इन्होंने कहा कि ये नहीं कि जरूरी हर बार औरतों के नाम भी रखे जाए, तो इसलिए आदमी और औरतों के नाम अल्टरनेटिवली यूज किए जाते हैं, चलो इस बार रमेश हो गया, अगली बार सीता, सीता के बाद फिर राकेश, समझे मेरी बात. तो 6 तरह की लिस्ट होती हैं, वो यूज होती हैं बार बार रोटेशन में, यानी कि सपोज करो 2020 में कोई किसी साइक्लोन का नाम रखा गया तो वो दोबारा यूज होगा 2026 में, एग्जांपल के तौर पर. लेकिन अगर सपोज करो कोई साइक्लोन है, अगर उसने बहुत ही ज्यादा उत्पात मचाया, ठीक है, तो उसका नाम दोबारा रिपीट नहीं होगा, इतिहास में दोबारा नहीं लिया जाएगा. एग्जाम्पल जैसे कैटरीना, कैटरीना जो साइक्लोन था वो यूएसए में आया था, यूएसए में हरिकेन बोलते हैं बेसिकली साइक्लोन को, तो उसका दोबारा नाम नहीं यूज हुआ. जैसे कि लिखा हुआ है, इफ द स्टॉर्म्स हैव रैक्ड
havoc on a country, then the names will not be repeated due to reasons of sensitivity. Examples are Katrina in the USA, 2005 में आया था भैया, USA की ऐसी तैसी कर दी. Sandy in the USA, 2012. Ian in the Philippines, 2013. Irma and Maria in Caribbean Island, 2017. ठीक है, तो ये नाम फ्यूचर में दोबारा नहीं लिए जाएंगे. जैसा कि आपके भी कई दोस्त होंगे जो बड़े बदतमीज होंगे, जब बड़े लड़ाकू होंगे, गुस्से वाले होंगे, तो आपकी एक बार उनसे लड़ाई हो जाएगी तो दोबारा आप पसंद नहीं करोगे ना उनका नाम लेना, है ना. बट ऑब्वियस है. आगे चलते हैं नामकरण से आगे. उसके बाद बारी आती है रीजनल नेम्स की, कि इनके पर्टिकुलर रीजन में अलग अलग नेम है. साइक्लोन को पर्टिकुलर रीजन में अलग अलग नाम से जाना जाता है. जैसे टाइफून बोलते हैं, नाम से क्लियर है कहाँ पे टाइफून कहाँ बोलेंगे. अराउंड चाइना सी और यू कैन से वेस्टर्न नॉर्थ पैसिफिक ओशन. जैसा कि डायग्राम में दिखा देते हैं आपको, ये देखिए सर, ये वेस्टर्न नॉर्थ पैसिफिक ओशन है, यहाँ टाइफून बोला जाता है इधर वाले एरिया में. यहाँ चाइना सी है, आपको पता होगा, याद है ना हमने साइक्लोन कह रहा हूँ एलिनो पढ़ा था. ये ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन है, ये सेंट्रल पैसिफिक ओशियन है, और ये इधर वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन है. याद है ना एलिनो पढ़ा था, ये ऑस्ट्रेलिया इधर बना रखा था उस वाले डायग्राम में, ये इस तरह से है ना. शुक्र है, शुक्र है अल्लाह का. तो टाइफून कहाँ पे बोलते हैं, चाइना सी के राउंड और वेस्टर्न नॉर्थ पैसिफिक ओशियन के राउंड. ठीक है, हरिकेन्स कहाँ पे बोलते हैं, अभी आपको मैंने बताया, वेस्ट इंडियन आइलैंड इन द कैरेबियन सी एंड अटलांटिक ओशियन. जैसे कि दिखा देता हूँ आपको, हरिकेन यहाँ बोला जाता है नॉर्थ अमेरिका के यहाँ पे. ये क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन वाला, ये क्या, ये इधर कैरेबियन आइलैंड है. ठीक है, जैसा कि लिखा होगा वेस्ट इंडियन आइलैंड इन द कैरेबियन सी और अटलांटिक ओशियन, नॉर्थ अटलांटिक एंड ईस्टर्न नॉर्थ पैसिफिक ओशियन. यानी कि यहाँ पे भी, यहाँ पे भी ईस्टर्न नॉर्थ पैसिफिक ओशियन. ठीक है, यहाँ पे भी नॉर्थ में, सॉरी ये वाला हरिकेन्स यहाँ पे भी बोला जाता है, यहाँ पे भी बोला जाता है. याद रखेंगे, पेपर में पूछ लेते हैं कई बार. टोर्नेडोस कहाँ बोलते हैं, गिनी लैंड्स ऑफ वेस्ट अफ्रीका और सदर्न यूएसए. यहां पे बोलते हैं, एक सेकेंड, वेस्ट अफ्रीका और सदर्न यूएसए, वेस्ट अफ्रीका वाले पार्ट और सदर्न यूएसए, यहां पे टोर्नेडो बोलते हैं यहां इस एरिया में. ठीक है, यहां डायग्राम में नहीं लिखा हुआ बट याद रखेंगे आप. उसके बाद आता है विली विलीस, ये नॉर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, नॉर्थ वेस्टर्न ये वाला पार्ट, यहाँ विली विली बोलते हैं. ठीक है, याद रखें. उसके बाद आता है आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, बोलते हैं आपके इंडियन ओशन में, ये इंडियन ओशन वाला पार्ट है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स. और नोवाकी, पहले इसका नाम टाइफू था, टाइफू ये जापान में बोलते थे. ठीक है, तो डायग्राम में नहीं बनाया हुआ शायद, हाँ नहीं बनाया हुआ बट आप याद रखें. तो ये रीजनल नेम्स हैं, याद रखें. टाइफून्स आपके चाइना से, नाम से क्लियर है टाइफून, इन चाइना में बर्तन गिरते हैं तो उस पर नाम रख देते हैं बच्चों का, चिंग चोंग चिंग है. तो टाइफून याद रखें चाइना सी और वेस्टर्न नॉर्थ पैसिफिक ओशन. हरिकेन्स आपका वेस्ट इंडियन आइलैंड इन द कैरेबियन सी और अटलांटिक ओशन, टू बी वेरी प्रिसाइज नॉर्थ अटलांटिक एंड ईस्टर्न नॉर्थ पैसिफिक ओशन. टोर्नेडोज बोलते हैं आपके गिनीज लैंड ऑफ वेस्ट अफ्रीका एंड सदर्न यूएसए. विली विलीज बोलते हैं नॉर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया. ट्रॉपिकल साइक्लोन इंडियन ओशन. और नोवाकी, जिसको पहले टाइफू के नाम से भी जाना जाता था, ये बोलते हैं आपके जापान में. ओके, आगे चलते हैं सर. उसके बाद बारी आती है कि भैया साइक्लोन्स कितने तरह के होते हैं. साइक्लोन ज्योग्राफिकली दो तरह के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं. एक होते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन और एक होते हैं एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल, यानी जो ट्रॉपिक्स से बाहर हो. ट्रॉपिकल साइक्लोन किसको बोलेंगे, ट्रॉपिक्स के अंदर हो. ट्रॉपिक्स समझते हो, ट्रॉपिक्स कौन से हुए,
दो ट्रॉपिक्स कौन से हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ये कैंसर हो गया और ये कैप्रिकॉन हो गया, ठीक है? इनके बीच में हो ट्रॉप, ठीक है, इनके बीच में हो, उसको क्या बोलेंगे? ट्रॉपिकल साइक्लोन। जो एक सेकेंड, जो इसके बीच में हो वो ट्रॉपिकल साइक्लोन होंगे, और जो इनसे बाहर हो गए उनको एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन हो गए। सिंपल सी बात है यार, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कौन हो गए? जो कि ट्रॉपिक्स के बीच में है, ठीक है। इट इज बीइंग एम्बेडेड इन ट्रेड विंड्स। ट्रेड विंड्स किसके बीच में घूमती है? अंडरस्टूड है, इन दोनों के बीच में घूमती है, ट्रॉपिक्स के बीच में घूमती है, याद है? फिर आया था लास्ट क्लास में, कौन सी ट्रेड विंड होती है? दो तरह की ट्रेड विंड होती है, कौन सी ट्रेड विंड होती है? नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड बताया था ना। ट्रॉपिकल साइक्लोन कह रहा है इट इज बीइंग एम्बेडेड इन ट्रेड विंड एंड मूव्स इन जनरल फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, एंड ईस्ट कोस्ट मोस्ट इफेक्टेड बाय ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है। जनरली ईस्ट कोस्ट ज्यादा इफेक्टेड होती है, इसलिए जो मोस्ट इफेक्टेड साइक्लोन प्रोन एरिया है इंडिया का, ईस्टर्न कोस्ट वाला है, याद रखेंगे बच्चे, ईस्टर्न कोस्ट वाला ज्यादा इफेक्टेड है, इट इज मोर प्रोन टू साइक्लोन। आपसे पेपर में पूछ सकता है कि वेस्टर्न कोस्ट इज मोर प्रोन टू साइक्लोन और ईस्टर्न कोस्ट इज मोर प्रोन टू साइक्लोन, द आंसर इज ईस्टर्न कोस्ट, ये वाली कोस्ट, ओके। सो ट्रॉपिकल साइक्लोन बीइंग एम्बेडेड इन ट्रेड विंड एंड मूव्स इन जनरल फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट कोस्ट इज मोस्ट इफेक्टेड बाय द ट्रॉपिकल साइक्लोन। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन जिनको टेम्परेट साइक्लोन भी बोल सकते हैं, और मिड लैटिट्यूड साइक्लोन भी बोल सकते हैं, और फ्रंटल साइक्लोन्स भी बोल सकते हैं, और वेव साइक्लोन्स भी बोल सकते हैं, याद रखना। इट इज बीइंग एम्बेडेड इन वेस्टर्लीज। ज्यादा ट्रेड विंड से ऊपर कौन सी विंड रोटेट करती है? वेस्टर्लीज, बताया था आपको। सो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बीइंग एम्बेडेड इन वेस्टर्लीज एंड मूव इन जनरल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। वेस्टर्ली में अगर एम्बेडेड हुआ साइक्लोन तो कहां से मूव करेगा? वेस्टर्ली की क्या डायरेक्शन होती है? वेस्टर्ली नाम तभी पड़ा ना, इट केम फ्रॉम द वेस्ट डायरेक्शन, वेस्ट टू ईस्ट, ओके, और ये ईस्ट टू वेस्ट, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स ईस्ट की तरफ से आती हैं, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट की डायरेक्शन इस तरह होती है, वेस्टर्ली की डायरेक्शन इस तरह से होगी, वेस्ट से आएगी, ओके, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएगी, ठीक है, सिंपल है। अब इनके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन में पढ़ते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है। यहां तक कुछ ना समझ आया हो तो पूछिए, क्लासिफिकेशन में या रीजनल नेम्स या नॉर्मल ग्लेशियर में कुछ ना समझ आया हो। हाँ जी बच्चा लोग क्लियर है? हाँ तो आगे चलते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में। ट्रॉपिकल साइक्लोन अभी जैसे मैंने बताया, इट इज डेवलप इन द रीजन बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है। इनके बीच में एक रीजन में डेवलप होता है, उसको ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं। दे ओरिजिनेट एंड इंटेंसिफाई ओवर वार्म ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ओशन। ये ओशन में ओरिजिनेट होता है, याद रखना। सपोज करो ट्रॉपिकल साइक्लोन है यहाँ, सपोज इंडिया के यहाँ बे ऑफ बंगाल है, तो यहाँ से ओरिजिनेट होगा और लैंड पे जाके खत्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हवा का चक्कर चलेगा और जैसे ही लैंड पे जाएगा खत्म हो जाएगा। दे ओरिजिनेट एंड इंटेंसिफाई ओवर वार्म ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ओशन ऑलवेज। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज ऑलवेज हैपन इन ओशन, मतलब जो उसकी शुरुआत होती है वो ओशन में होती है एंड डाइज इन द लैंड, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। लैंड पे इसलिए जाके मर जाता है, क्यों मर जाता है कोई बताएंगे? क्योंकि बहुत सारी ऑब्स्ट्रक्शंस होती हैं, पेड़ पौधे वगैरह ये सब इतने होते हैं, ये ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं उसको, हवा को रोकते हैं, और जब हवा टकराएगी रुक जाएगी तो खत्म हो जाएगा ना, बारिश हो जाएगी तो सारा मॉइस्चर खत्म, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है।
सो दे ऑलवेज हैपन इन ओशियन एंड डाइज इन लैंड एंड मूव ओवर टू द कोस्टल एरियाज. जैसा मैंने आपको बताया, ये कोस्टल एरियाज की तरफ मूव करती है एंड इट कॉजिंग वायलेंट विंड्स. एकदम से तेज हवाएं चलती हैं, बहुत गंदी. आपने देखा भी होगा न्यूज वगैरह में या कभी मूवीज में भी देखा होगा. वेरी हैवी रेनफॉल, बहुत तेज बरसात आती है एंड स्टॉर्म आउटपोरिंग्स. ठीक है, और तूफान आता है बहुत गंदे वाला. ठीक है, हरिकेन जिसको फुली डेवलप्ड ट्रॉपिकल साइक्लोन के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना. इट्स अ ह्यूज हीट इंजन विच टेक्स एनर्जी इन द लेटेंट हीट एंड सेंसिबल हीट फ्रॉम वाटर टू एयर. हरिकेन को भी फुली डेवलप्ड ट्रॉपिकल साइक्लोन इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा तगड़ा हीट इंजन है जो कि हीट कहाँ से लेता है, पानी से लेता है और हवा में जाके छोड़ता है. ठीक है, द मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग एटमोस्फेरिक डिस्टर्बेंस इन ट्रॉपिकल रीजन इज ईस्टरली वेव. ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिए. याद है मैंने ट्रॉपिकल साइक्लोन कौन सी हवा के बीच में एम्बेडेड होता है, वेस्टर्ली के बीच में या ट्रेड विंड के बीच में, अभी बताया था वेस्टर्ली और ट्रेड विंड. ट्रेड विंड, और ट्रेड विंड किस डायरेक्शन में मूव करती है, वेस्ट टू ईस्ट और ईस्ट टू वेस्ट. ट्रेड विंड, वेरी गुड, ईस्ट टू वेस्ट. तो ईस्ट टू वेस्ट मूव करेगी तो इसको मैं ईस्टरली वेव का नाम दे सकता हूं, यानी कि जो इसके बीच में तूफान आएगा, जो साइक्लोन इसके बीच में रहेगा उसको ईस्टरली वेव का नाम दे सकते हैं हम. समझ आ रहा है मतलब, क्योंकि ये वाला कंसेप्ट समझोगे तभी अगला पॉइंट समझ आएगा. दोबारा से समझाता हूँ, पहले हरिकेन के बारे में समझा रहा था. हरिकेन को फुली डेवलप्ड ट्रॉपिकल साइक्लोन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ह्यूज हीट इंजन है विच टेक्स एनर्जी इन द लेटेंट हीट एंड सेंसिबल हीट फ्रॉम वाटर टू एयर. क्योंकि ट्रॉपिकल साइक्लोन भी हीट कहाँ से लेता है, पानी से लेता है. ठीक है, और लैंड पे जाके टकरा के खत्म हो जाता है. ठीक है, सिमिलरली हरिकेन भी वैसे ही है, लेकिन ये ह्यूज हीट इंजन है. ठीक है, इसको इसलिए इसको फुली डेवलप्ड ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलेंगे. ठीक है, द मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग एटमोस्फेरिक डिस्टर्बेंस इन ट्रॉपिकल रीजन इज ईस्टरली वेव. यानी जो वेव आती है वो जो ट्रॉपिक सॉरी ट्रेड विंड के बीच में एम्बेडेड हो जाती है, जो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में मूव करती है, उसको ईस्टरली वेव बोलते हैं. द मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग एटमोस्फेरिक डिस्टर्बेंस इन ट्रॉपिकल रीजन इज ईस्टरली वेव. The trade winds are frequently modified by wave-like phenomena that give rise. जैसे लिखा हुआ है trade winds, उसके साथ wave के साथ हो जाती है. Trade winds are frequently modified by a wave-like phenomena that give rise to a distinctive weather system westward. क्योंकि ये move किस तरफ कर रही है, east to west. तो west side ये एक अलग सा वेदर सिस्टम क्रिएट करेगी एंड मूविंग एयर इज फोर्स्ड टू राइज अप ऑन द अपवर्ड साइड ऑफ द वेव एंड डिसेंड ऑन द डाउनवर्ड साइड. दस ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ द ईस्टरली वेव वी एक्सपेक्ट टू फाइंड द वर्टिकली डेवलप्ड क्यूमुलस क्लाउड एंड ऑफन वेरी हैवी रेनफॉल. ठीक है, यानी ये जो हवा बह रही है ये कुछ हवा राइज अप हो जाएगी और यहाँ बादल बना देगी जिसका नाम है क्यूमुलस क्लाउड. ये जब हम क्लाउड वगैरह करेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे. एंड इट कॉज वेरी हैवी रेनफॉल. दोबारा से समझेंगे, ट्रेड विंड थी, ट्रेड विंड की जब मॉडिफिकेशन हुई, ट्रेड विंड की जब मॉडिफिकेशन हुई तो ये क्या बन गई सर, ईस्टरली वेव बन गई. यानी ट्रेड विंड क्या बन गई, ईस्टरली वेव. और ईस्टरली वेव आपको पता है किस डायरेक्शन मूव करती है, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. ओके, और जैसी वो ईस्ट टू वेस्ट मूव कर रही है तो कुछ हवा इसमें राइज अप होगी. जैसे कि साइक्लोन के बीच में लो प्रेशर वाली एयर होती है तो वो राइज अप होगी, तो ये क्या बनाएगी, क्लाउड्स बनाएगी जिसका नाम क्या है, क्यूमुलस क्लाउड. एंड दैट कॉज हैवी रेनफॉल बट क्लियर वेदर रिजल्ट्स ऑन द लीडिंग वेस्टर्न साइड. यानी कि मैंने आपको याद है ना साइक्लोन की वो बताया था बीच में क्या होती है, बीच में लो प्रेशर होता है जिसको आई बोलते हैं और इस साइड क्या होता है, हाई प्रेशर होता है. वो कहता है कि क्लियर वेदर रिजल्ट्स लीडिंग ऑन द वेस्टर्न साइड और द लो प्रेशर वेव ट्रफ
बिकॉज ऑफ द डिसेंडिंग एयर। याद है मैंने यहाँ पे बताया था बीच में क्या रहेगा, क्लियर वेदर रहेगा, लेकिन जहां इस तरफ डिसेंडिंग एयर होगी यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे तूफान आएगा। एंड अंडर द सर्टेन फेवरेबल कंडीशंस ऑन ईस्टर्ली वेव मे लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। और फेवरेबल कंडीशन कौन सी है वो अभी बताएंगे, कौन कौन सी होती है ट्रॉपिकल साइक्लोन बनने के लिए। फेवरेबल कंडीशन बनने, सॉरी ईस्टर्ली जो वेव है वो फेवरेबल कंडीशन बनाएगी और जिस वजह से क्या होगा, फॉर्मेशन होगी किसकी, ट्रॉपिकल साइक्लोन की। दोबारा से समझाते हैं, क्लियर हो जाएगा, दोबारा से समझिए ध्यान से। ट्रॉपिकल साइक्लोन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में होता है, पहली लाइन। दूसरी लाइन वो कहती है कि ओरिजिनेट होता है किसके बीच में, पानी के बीच में ओरिजिनेट होता है और लैंड पे जाके टकरा के मर जाता है, सिंपल सी बात है। ऑलवेज हैपन इन ओशियन एंड डाइज इन लैंड। चौथा पॉइंट, एंड मूव ओवर टू द कोस्टल एरिया। कोस्टल एरियाज को हिट करता है, कोस्टल एरियाज पास होते हैं पानी के, है ना। एंड मूव ओवर टू द कोस्टल एरिया एंड कॉजिंग वायलेंट विंड्स, भैया एकदम तूफान, एंड वेरी हैवी रेनफॉल, बहुत तेज रेनफॉल आती है, एंड स्टॉर्म आउटपोरिंग्स, बहुत खतरनाक वाला आंधी तूफान, और हरिकेन, जिसको फुली डेवलप्ड ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं। ये क्या होता है, एक ह्यूज हीट इंजन होता है विच टेक्स एनर्जी इन द लेटेंट हीट एंड सेंसिबल हीट फ्रॉम वाटर टू द एयर। एंड द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग एटमोस्फेरिक डिस्टर्बेंस इन ट्रॉपिकल रीजन इज ईस्टरली वेव। ईस्टरली वेव क्या होती है भैया, ट्रेड विंड होती है, ट्रेड विंड मूव करती है ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। तो ईस्टरली वेव इसी को ही बोलेंगे, यानी ट्रेड विंड में जब कुछ मॉडिफिकेशन हो जाती है तो उसको ईस्टरली वेव बोलते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है नेक्स्ट पॉइंट में, ट्रेड विंड्स आर फ्रीक्वेंटली मॉडिफाइड बाय वेव लाइक फिनोमिना दैट गिव राइज टू अ डिस्टिंक्टिव वेदर सिस्टम वेस्टवर्ड, क्योंकि इट मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, तो डिस्टिंक्टिव वेदर सिस्टम बन जाएगा वेस्टवर्ड साइड। एंड मूविंग एयर इज फोर्स्ड टू राइज ऑन द अपविंड साइड ऑफ द वेव एंड डिसेंड ऑन द डाउनवर्ड साइड। Thus, on the eastern side of the easterly wave, we expect to find vertically developed cumulus cloud and often heavy rainfall. But clear weather results on the leading western side or the low pressure. Low pressure, I मैंने आपको बताया था, calm रहेगा, तो clear weather रहेगा because of the descending air. And under favorable conditions on the easterly wave may lead to the formation of tropical cyclone. दिस इज द ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्मेशन प्रोसेस। अभी पढ़ेंगे कंडीशंस फेवरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन होने के लिए वो कंडीशंस कौन कौन सी हैं जो होनी चाहिए। पहला तो सर सी सरफेस टेम्परेचर, SST बोले तो सी सरफेस टेम्परेचर, सोशल स्टडीज में पढ़ लेना इसको, बाद में लिख लो। सी सरफेस टेम्परेचर जो कि है वो आपका 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होना चाहिए, पहला पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कई बार प्रीलिम्स में पूछ लिया गया सी सरफेस टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होना चाहिए। दूसरा सर प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स, तभी तो विंड डिफ्लेक्ट करेगी, है ना, विंड डिफ्लेक्ट कैसे करेगी बिना कोरियोलिस फोर्स के। दूसरा सर ITCZ और लो प्रेशर बीइंग 5-8 डिग्री अवे फ्रॉम इक्वेटर, यानी ITCZ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो आपको बताया था, जो कि किसके ऊपर होता है, 0 डिग्री के ऊपर है, ये कह रहा है 5-8 डिग्री के ऊपर होगा ये ITCZ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, और जिसको लो प्रेशर भी बोलते हैं, जिसको हम गर्मियों में मॉनसून ट्रफ भी बोलते हैं, याद हो अगर आपको। चौथा है सर लार्ज वेपर सप्लाई इन द एटमॉस्फेयर, और वेपर सप्लाई कैसे होगा, जब मॉइस्चर कंटेंट कहाँ से निकलेगा, पानी से निकलेगा, वेपोरेशन होगी, वेपोरेशन के बाद कंडेंसेशन होगी, कंडेंसेशन के बाद प्रेसिपिटेशन होगी, सो लार्ज वेपर सप्लाई इन द एटमॉस्फेयर, ये भी जरूरी है। पांचवा पॉइंट है डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, ये तो आपको मैंने बता ही दिया भैया, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके अगला स्मॉल डिफरेंसेस इन द वर्टिकल विंड स्पीड, डिफरेंस होना चाहिए विंड स्पीड में, ये हाई है ये लो है, ठीक है, इसकी विंड स्पीड में डिफरेंस होगा तभी तो साइक्लोन बनेगा। अगर इधर तीनों जगह अगर हाई बन गया तो वो साइक्लोन नहीं बनेगा, याद रखें स्मॉल डिफरेंसेस इन द वर्टिकल विंड स्पीड। उसके बाद लास्ट पॉइंट है अपर डाइवर्जेंस अबव द सी लेवल सिस्टम, ठीक है, यानी डिस्टिंक्शन होगी
इसकी प्रेशर की सी लेवल सिस्टम के ऊपर, अपर डाइवर्जेंस अबव द सी लेवल सिस्टम। तो ये कंडीशन है सर फेवरेबल ट्रॉपिकल साइक्लोन बनने की। इसके बाद है सर आपके फीचर्स ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, फीचर्स करेंगे। इसके बाद एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में पढ़ेंगे। आपको ये दिखा देता हूँ डायग्राम, ये मैंने बताया था, ये बीच वाले को आई बोलते हैं, ये वार्म एयर है और ये आउटफ्लो हो रहा है सर, और ये डिसेंडिंग कूल एयर है, ये इधर ये डिसेंडिंग कूल एयर है और ये वार्म एयर ये राइज अप कर रही है। ये लो प्रेशर एरिया पानी में, ये वार्म मॉइस्ट एयर मॉइस्चर उठा रही है पानी में से, वार्म मॉइस्ट एयर राइजेस। ये साइड वाला पार्ट है, इसको आई वाल बोलते हैं, ठीक है। ये सबसाइडिंग वार्म एयर है और डिसेंडिंग कूल एयर है, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर के नीचे नीचे होते हैं साइक्लोन, याद रखेंगे। इसमें कोई डाउट हो सर बताइए, इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। अभी तक जैसे जैसे हम इसके और फीचर्स पढ़ेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर होता जाएगा। इसमें कोई डाउट हो तो बताइए सर। देवियों और सज्जनों सो तो नहीं गए, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है लेकिन काफी इंटरेस्टिंग है अगर आप ध्यान से समझोगे और बकायदा इसके नोट्स बनाओगे। नोट्स जरूर बनाना, नोट्स बनाने मत भूल जाना, बहुत ही इजी है, कुछ हमने खास नहीं किया। कंडीशंस पढ़ी हैं फेवरेबल, फॉर्मेशन कैसी होती है, क्लासिफिकेशन पढ़ी है, दो तरह की होती है, नॉमन रीजनल नेम्स पढ़े हैं, नॉमन क्लेचर पढ़ा है इसका, साइक्लोन के बारे में पढ़ा है। उससे पहले हमने फ्रंट्स के बारे में पढ़ा था, चार तरह के फ्रंट्स होते हैं, स्टेशनरी, वार्म, कोल्ड और क्लोडेड फ्रंट। और उससे पहले हमने पढ़ा एयर मास क्या होता है। आज के टॉपिक में आज के लेक्चर में हमने ये सारे टॉपिक्स पढ़े थे। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन और जो अभी रिसेंट साइक्लोन आया उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई होप इसमें कोई डाउट ना हो, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं।